जनता को हर साल बजट का इंतजार बेसब्री से होता है कि क्या कुछ नया होने वाला है और क्या कुछ नए बदलाव होने वाले हैं। अगर बात करें इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स के लिहाज से बजट हर साल अहम इवेंट होता है। सरकार टैक्स से जुड़े बदलावों का ऐलान बजट में करती है। अगर बात करें अभी हाल फिलहाल की, तो अभी हाल फिलहाल में कुछ सालों से फोकस नई टैक्स व्यवस्था पर शिफ्ट हुआ है। इस साल भी बजट में टैक्स जुड़े बदलाव हो सकते हैं। आइए इस सप्ताह पेश होने जा रहे बजट से पहले मौजूदा कर व्यवस्थाओं के बारे में शुरू से जानते हैं और इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। अभी इंडिविजुअल इनकम टैक्स की दो व्यवस्थाएं मौजूद हैं, जिन्हें ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के नाम से जाना जाता है। नई टैक्स व्यवस्था को अब डिफॉल्ट बना दिया गया है, यानी कि कोई टैक्स पेयर अगर रिजीम नहीं चुनता है तो इसका ITR नई व्यवस्था में फाइल होगा। पुराने टैक्स व्यवस्था में ITR भरने के लिए टैक्स पेपर्स को अलग से डिक्लेरेशन देने की जरूरत पड़ रही है। यही कारण है कि सरकार नई कर व्यवस्था को स्वाभाविक विकल्प बनाना चाहती है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इससे पहले वित्त वर्ष 2023 और 2024 के बजट में टैक्स जुड़े जिन बदलावों का ऐलान किया था, वो सारे बदलाव नई कर व्यवस्था में ही किए गए थे। ओल्ड टैक्स रिजीम में उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया था। नई व्यवस्था को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बनाने का फैसला भी पिछले बजट में किया गया था। आपको बता दें कि नई और पुरानी दोनों ही तरह की व्यवस्था में 5 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल बजट में नई कर व्यवस्था के लिए इस रिबेट को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया गया था। यानी कि नई टैक्स व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक कमाने वाले को कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था में आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने का भी ऐलान किया था। उसके साथ ही टैक्स स्लैब में भी बदलाव हुए थे। टैक्स स्लैब की संख्या घटाकर 5 की गई थी, तो वहीं रिवाइज्ड स्लैब के तहत 0 से 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है, तो वहीं 3 से 6 लाख रुपए तक की आय पर 5%, तो वहीं 6 से 9 लाख तक रुपए की आय पर 10%, तो वहीं 9 से 12 लाख रुपए तक की आय पर 15%, इसके अलावा 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर 20% और 15 लाख रुपए से ऊपर तक की सालाना कमाई पर 30% टैक्स लगता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पुराने टैक्स व्यवस्था की कर की दरों की बात करें तो पुराने कर व्यवस्था में 2.5 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है, तो वहीं 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की आय पर 5% और 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक की आय पर 20% और 10 लाख ऊपर तक की आय पर 30% टैक्स लगता है। यानी कि पुराने व्यवस्था में HRA, ATC जैसी करीब 70 कटौती और छूट मिलती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको जानकारी जरूर पसंद आई होगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। देश दुनिया के तमाम और यूपी उत्तराखंड की छोटी बड़ी खबरों के लिए आप न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।